है, क्या मामला आपका रहा? सर मामला सर हम लोगों का बहुत अच्छा रहा। 2009 में मैं नौकरी पाया, 2010 में शादी हुई, 2015 में मेरी सर दो लक्ष्मी जैसे पुत्रियां हुई, और लक्ष्मी के घर में कदम रखते ही मेरी पत्नी ने बहुत मेहनत किया, मैंने भी उनका साथ दिया और उनका भी सिलेक्शन हुआ। मेरी बेटियां बहुत लक्ष्मी थीं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पूरे समाज में हम लोगों का नाम था, सब लोग कहते थे मौर्य समाज के बेटी ने नाम रोशन किया। और उन्होंने भी अपने बाइट में हर जगह दिया है कि मेरे पति और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य ने ही मुझे पढ़ाया। सिलेक्शन होने के बाद हर जगह उन्होंने कहा। 2020 तक हम लोग बहुत खुश थे, बहुत अच्छा थे। हम लोग सर इलाहाबाद के अल्लापुर में रहते थे किराए पे 2016 तक, और उसके बाद फिर हम लोगों ने सर एक अच्छा हुआ, इनका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद इनकी पहली पोस्टिंग ट्रेनिंग के रूप में जौनपुर में हुई। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पहली पोस्टिंग इनकी कौशाम्बी के चायल सिराथू तहसील में हुई। सिराथू और चायल दोनों जगह हुई। सर ये SDM एज SDM पोस्ट हुई, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वर्ष 2020 में एक भ्रष्ट अधिकारी जिसका खुलासा मीडिया, यूट्यूब पे, विभाग में, यहाँ तक कि DGP के पास कम से कम 3-4 लड़कियाँ कर चुकी हैं कि वो मेरे साथ छेड़खानी करता है, रात को बुलाता है। होमगार्ड विभाग ने भी कहा है कि औरतों ने कहा है कि ड्यूटी के नाम पे रात को बुलाता है। यूट्यूब पे आज भी उपलब्ध है। मनीष दुबे नाम है उसका, सुल्तानपुर जिले का रहने वाला है मूलतः, दुबे का पुरवा गाँव है उसका। और जबकि वो शादीशुदा है, लेकिन अभी भी किसी को उसने नहीं बताया कि मैंने शादी किया है। क्यों ये छिपाया क्यों? क्योंकि उसको सारी लड़कियों के साथ संबंध बनाना, उनके साथ खेलना उसका बहुत पहले से ही रहा है। उसकी पत्नी का नाम क्या कुछ मालूम है? हाँ सर, उसकी पत्नी मुझसे संपर्क की, वो करीब हमसे एक साल से संपर्क करना चाहती थी। उनको कहीं से नंबर मिला होगा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आलोक भैया आपकी पत्नी मेरी पर बात कर रही है। तो मेरे पाँव तले से सर जमीन हट गया। शक तो मुझे था, लेकिन उन्होंने बताया कि ये लोग लखनऊ में मिलते भी हैं, रात भर रहते हैं। हाँ तो सर मेरे आंखों से सर मतलब आंसू गिरने लगे, और फिर मैंने अपने पत्नी से पूछा क्या ऐसी सही बात है, मैं तो आप पे बहुत भरोसा करता था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको शक है, कोई प्रूफ हो तो ला के दीजिए। सर मेरा शक बढ़ता गया। ये 21 दिसंबर को घर से निकली लखनऊ के लिए कि मीटिंग है, फिर भी सर मैं भी इनको बिना बताए इनके पीछे पीछे लखनऊ आया, और मैंने सर अपने आँखों से देखा ये लोग विभूतिखंड स्थित मैरियाड होटल में रात भर रुकते हैं, और रात भर रुकते हैं जिसकी बुकिंग मनीष करता है। किसके आईडी से बुकिंग था? ये सर बुकिंग मनीष के आईडी से, और लोग रहते हैं वहाँ रात भर, सुबह निकलते हैं, 5,000 का बिल जमा करते हैं। सुबह मैंने वहाँ सामने खड़ा हो गया मैं ज्योति के, हमने कहा आप ये क्या कर रही हैं, ये अभी मैं अनजान बोला कि ये कौन है। इन्होंने कहा ये मनीष है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। ये पत्नी ने बोला? सर बोला। और सर उसी दिन से मेरा विवाद शक जो है सच्चाई में बदला, विवाद बढ़ता गया। फिर विवाद आज यहाँ तक पहुँच गया है कि मेरी पत्नी ये बार बार मुझे कहती हैं कि मुझे स्वेच्छा से तलाक दे दो, वरना मैं कोर्ट जाऊँगी, कोर्ट से तलाक लूँगी, उसमें भी नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर 376 अन्य गंभीर धाराएं लगा कर तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी, जेल भेज दूंगी, तलाक तुमसे ले के रहो। आपकी पत्नी का जेल? मनीष ने भी धमकी उमकी आपको दी कभी? सर मुझे एक बार हम लोग पारिवारिक ऐसे मनीष को लेकर झगड़े हो रहे थे, तो प्रायः जब भी झगड़े पारिवारिक पति पत्नी में होते थे तो ज्योति जी तुरंत मनीष को कॉल लगा देती थी। तो एक बार मैंने देखा उनकी कॉल चल रही थी, तो हमने कहा किस स्क्रीन पे लिखा था मनीष दुबे, तो मैंने कहा मनीष को आप कॉल क्यों लगाई हैं, ये अच्छी बात नहीं है, पति पत्नी की बातें हैं, सुलझा लिया जाएगा, परिवार को बुलाया जाए। मैंने कहा अपने मम्मी पापा को बुलाइए, मेरे मम्मी पापा आ जाए, सब लोग बैठ के बातें कर लें, जो गलतफहमियाँ दूर कर लिया जाए। तो उन्होंने कहा नहीं मनीष मेरा सब कुछ है, मैं उसको सुनाऊंगी, और आपको जो करना हो वो कर लीजिए। उसी समय मनीष दुबे ने मुझे फ़ोन पे कहा कि ज्योति को तलाक दे दो, क्योंकि मैंने ज्योति की वजह से ही अपने पत्नी को भी तलाक दे रहा हूँ, और हम दोनों लोग शादी करेंगे। अच्छा, अपनी पत्नी को तलाक दे दिया? हाँ, उनका कोर्ट में चल रहा है। उनका दिया नहीं है, अभी मामला पारिवारिक कोर्ट लखनऊ में चल रहा है, उनकी पत्नी ने जैसा बताया।
उनकी पत्नी ने डीजी को शिकायत नहीं किया? डीजी से मिली वो, लेकिन वो एक महिला होते हुए उन्होंने कहा कि मैं कहाँ कहाँ भाग पाऊंगी भैया, इसलिए वो थोड़ा से कमजोर पड़ गए। तो इसकी शिकायत जैसे व्हाट्सएप पे ये चैटिंग है मनीष का और आप बता रहे हैं कि ज्योति मौर्य का, लेकिन इस पे ए एसीएम डी लिखा है। सर ये मैंने इनसे बात किया इस टॉपिक, इसकी मेरी रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। जब मैंने इस टॉपिक पर बात करना शुरू किया कि आपने ये ए एसडीएम डी क्यों लिखा है मनीष का नाम, तो उन्होंने कहा घर का कोई व्यक्ति ना जान पाए इसलिए लिखा है, लेकिन इसकी भी ज़रूरत नहीं है, अब मैं मनीष ही लिखूंगी, ये ऑडियो मेरे पास उपलब्ध है सर। तो आपने इसकी शिकायत होमगार्ड विभाग या शुगर मिल में आपकी पत्नी इस समय बरेली में मैनेजर के पोस्ट पे, दोनों जगह सीनियर ऑफिसर से आपने कंप्लेंट की? सर मैंने इसकी शिकायत सर दोनों लोगों से की है, और बरेली शुगर मिल को भी सर लेटर दिया है, और डीजी सर को, डीजी सर के ऑफिस में 16 तारीख को मैंने रिसीव कराया लेटर, 16 को। आप मिले डीजी बी के मौर्य जी? हाँ मैं सर गया, अपना अपनी सारी बातें बताई कि सर मेरी रक्षा कीजिए सर और मेरा परिवार बचा लीजिए, क्योंकि सर मेरी इन दोनों, हमारे पति पत्नी और उस मनीष की वजह से मेरी बेटियां सर बहुत परेशान हो रही हैं, बहुत प्रेशर झेल रही हैं, मुझे सर रो रो के कहती हैं पापा आप आ जाओ मुझे आपके साथ रहना है। सर मेरा एक बसा बसाया घर इस मनीष दुबे की वजह से बर्बाद हो गया है सर, मैं सर इतने सर प्रेशर में जी रहा हूँ, मन तो सर कहता हम कहीं ट्रेन से कट के मैं मर जाऊँ सर, क्योंकि सर मैं बच्चियों से कभी दूर आज तक नहीं रहा हूँ सर। समझ रहा हूँ। 9 साल की बेटी है सर। हौसला रखिए, हौसला। देखिए एक परिवार इस टॉपिक, इसकी मेरी रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। जब मैंने इस टॉपिक पर बात करना शुरू किया कि आपने ये ए एस डी एम डी क्यों लिखा है मनीष का नाम, तो उन्होंने कहा घर का कोई व्यक्ति ना जान पाए इसलिए लिखा है, लेकिन इसकी भी ज़रूरत नहीं है, अब मैं मनीष ही लिखूंगी, ये ऑडियो मेरे पास उपलब्ध है सर। तो आपने इसकी शिकायत होमगार्ड विभाग या शुगर मिल में आपकी पत्नी इस समय बरेली में मैनेजर के पोस्ट पे, दोनों जगह सीनियर ऑफिसर से आपने कंप्लेन की? सर मैंने इसकी शिकायत सर दोनों लोगों से की है, और बरेली शुगर मिल को भी सर लेटर दिया है, और डीजी सर को, डीजी सर के ऑफिस में 16 तारीख को मैंने रिसीव कराया लेटर, 16 को। आप मिले डीजी बी के मौर्य जी? हाँ मैं सर गया, अपना अपनी सारी बातें बताई कि सर मेरी रक्षा कीजिए सर और मेरा परिवार बचा लीजिए, क्योंकि सर मेरी इन दोनों, हमारे पति पत्नी और उस मनीष की वजह से मेरी बेटियां सर बहुत परेशान हो रही हैं, बहुत प्रेशर झेल रही हैं, मुझे सर रो रो के कहती हैं पापा आप आ जाओ मुझे आपके साथ रहना है। सर मेरा एक बसा बसाया घर इस मनीष दुबे की वजह से बर्बाद हो गया है सर, मैं सर इतने सर प्रेशर में जी रहा हूँ, मन तो सर कहता हम कहीं ट्रेन से कट के मैं मर जाऊँ सर, क्योंकि सर मैं बच्चियों से कभी दूर आज तक नहीं रहा हूँ सर। समझ रहा हूँ। 9 साल की बेटी है सर। हौसला रखिए, हौसला। देखिए एक परिवार है, सोचे जो एक बाप और के लिए कितना दर्दनाक है कि बेटियां मिलना चाह रहे हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा है, और घर वालों जी दस अंडे हुए आपके साथ है। तो सर मुझे बस आप ही लोगों जैसे ईमानदार पत्रकार पे भरोसा भी है सर, क्योंकि मैं शिकायत कर करके थक चुका हूँ। इसकी शिकायत मैंने सर प्रयागराज कमिश्नर को भी की है कि मुझे मेरी बेटियों से मिलना दिया जाए, कोई नहीं सुनता। SO धूमनगंज को भी मैंने किया, यहाँ तक कि सर DGP साहब को भी मैंने कहा कि सर मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मैं बच्चों से आज तक कभी दूर नहीं रहा हूँ, लेकिन सर कोई नहीं सुन रहा है सर। कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि पत्नी मुझे फोन करके कहती है और मैसेज व्हाट्सएप पे लिखी है कि अगर घर आए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, क्योंकि मैं बहुत बड़े पद पे हूँ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे और जेल चले जाओगे। देखिए पत्नी एक तरफ धौंस जमाते हुए मेरे खिलाफ दहेज उत्पीड़न का सर, दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा के मेरे ऊपर FIR, पूरे परिवार के ऊपर FIR करवा दी। लेकिन जैसा मुझे मालूम है कि ज्योति मौर्य के पिताजी पारसनाथ जी, ये चिराई गांव वाराणसी में आटा चक्की चलाते थे, उनकी माँ गोलगप्पा बेचती थी, तो
तो कितना दहेज दिए होंगे जिनके पास खाने के लाले हों। सर इसके सर गवाह हैं और इन्होंने मुझे 5,000 रुपये तिलक दिया था जो मेरे लिए 5 लाख के बराबर था, क्योंकि हम लोग सर कभी भी दहेज नहीं लेते, दहेज विरोधी हैं सर। पूरे गांव से आप पूछ सकते हैं और इनके गांव से भी पूछ सकते हैं, इनके गांव के प्रधान जी हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, इनके बड़े भैया हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं लोग कि 5,000 ही हमने दिया था। हम कभी ये नहीं कह सकते कि आप इससे ज़्यादा। पूरी शादी 5,000 में हुई? पूरी शादी सर 5,000 में हुई है। तब ये दहेज उत्पीड़न के कैसे आरोप? ये इन्होंने आरोप लगाया है कि 30 लाख रुपए लेके आई थी और फॉर्चूनर गाड़ी मांग रहे हैं सर। सर यही आरोप लगाया थाने में सर। सर दुख की बात तो यही है सर कि फॉर्चूनर गाड़ी 2010 में ही शायद लागू हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने उसमें लिखा है, लिखित शिकायत दिया है कि अपने पद के हिसाब से वो सर सर सर। और सर यही ज्योति मौर्य हमारी पत्नी जी 2015 में सिलेक्शन हुआ है तो प्रतियोगिता दर्पण में सर इन्होंने लिखित रूप से दिया है कि मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम उरारी मौर्य के वजह से ही आज मैं इतने बड़े पद को प्राप्त की हूँ, और आज वही पति वही ससुर वही बड़े भाई भसुर दहेज उत्पीड़न में केस झेल रहे हैं। सर केस लगा चुकी है वो? सर FIR दर्ज हो चुकी है धूमनगंज थाने में सर। 7 तारीख को, 7 को इन्होंने एप्लीकेशन दिया, 7 को FIR दर्ज हो गई। मैं 25 अप्रैल का दिया हूँ, आज तक नहीं हुई सर, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ तक कि पूछताछ भी नहीं हुई इनसे, न कोई बुलाया गया सर SO साहब ने, हमें कोई सूचना नहीं दी, डायरेक्ट ये सूचना मिली कि FIR दर्ज हो गई। हमने कहा किस चीज़ की, कहे दहेज का, हमने कहा सर कोई इसका साबूत तो होगा, मैंने कभी प्रताड़ित। अगर सर मैं ये भी आपसे एक माध्यम से कहना चाहता हूँ, इन्होंने आरोप लगाया है 2010 से मैं दहेज मांग रहा था, तो सर क्या ये 13 साल इतनी प्रताड़ित थी कि कहीं शिकायत नहीं कर पाई? ठीक है सर 13 साल छोड़ दीजिए, 2016 से ये एज ए रजिस्टर्ड अधिकारी हैं और आज इस समय 6 साल हो गया, तो कम से कम 6 साल में तो अगर उत्पीड़न किया गया होता तो शिकायत की होती सर। लेकिन सर इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका सीधा मतलब है मनीष से, मनीष आ गया है हमें तलाक लेना है, दहेज उत्पीड़न ये दिखाएंगी, इसीलिए इन्होंने धौस दगाते हुए पूरा षड्यंत्र के खिलाफ करके थानेदार से मिल के हमारे ऊपर FIR दर्ज करवाया। सीधी बात करें तो पति पत्नी